शान मीडिया की पेशकश शान मीडिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान भी दबाए। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हापुड़ के हालात देखने के लिए, जहां पर आईएस मॉड्यूल को लेकर पिछले 3 सप्ताह से एनआईए की टीम की बार बार छापेमारी जारी है। आइए देखते हैं, पिछले 3 सप्ताह में अनेकों बार हुई एनआईए की छापेमारी कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हालांकि यह हरकतुल हर्ब इस्लाम संगठन से तार जुड़े होने की आशंका को लेकर की जा रही है। दिल्ली में गोपनीय तरीके से INIA और ATS की टीम द्वारा देर रात एक साथ गांव बदरखा, अटसेनी, जसोरा सहित विभिन्न गांवों में दबिश देकर कई लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। सॉरी मदर सर, अच्छा वहां पर पढ़ा था। अच्छा, ये जो उनसे पहले जिनको पकड़ा था सर, पिछले 3 सप्ताह से मेरठ में भी एनआईए की कार्रवाई जारी है। राधना निवासी को हिरासत में लेने के बाद दूसरी बार फिर से एक बार नईम को लेकर राधना पहुंची थी एनआईए और जांच जारी है। उसके बाद 12 तारीख को मुडाली थाना क्षेत्र के जसोरा गांव में कितने लोगों अफसार पुत्र सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसी के आधार पर एक बार फिर गुरुवार तड़के 4 बजे एनआईए टीम ने अफसार को साथ लेकर उसके घर पर दबिश देते हुए उसके छोटे भाई सत्तार को हिरासत में लिया तथा घर में सर्चिंग अभियान चलाया। 2 घंटे तक सर्चिंग अभियान चलने पर जब टीम को कुछ भी हाथ लगा, इसके बाद जसोरा निवासी सत्तार को टीम साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस पूरी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जिन लोगों को बारी बारी से एनआईए टीम उठा रही है उनके परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 3 सप्ताह में अनेकों बार हुई एनआईए की छापेमारी कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हालांकि यह कार्रवाई हरकतुल हर्ब इस्लाम संगठन से तार जुड़े होने की आशंका को लेकर की जा रही है। दिल्ली में गोपनीय तरीके से INIA और ATS की टीम द्वारा देर रात एक साथ गांव बदरखा, अटसेनी, जसोरा सहित विभिन्न गांवों में दबिश देकर कई लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है।